सिंगरौली नगर निगम आयुक्त दया किशन शर्मा ने बीते रोज नगर क्षेत्र में अलग अलग जगह लगाए गए वाटर एटीएम का औचक निरीक्षण किया। सिंगरौली निगम क्षेत्र के अंतर्गत 13 वाटर एटीएम लगे हुए हैं, जिनकी देखरेख के लिए निगम आयुक्त डीके शर्मा ने निर्देश दिए। इसके अलावा निगम के द्वारा अलग से निशुल्क प्याऊ खोले जाएंगे। निगम आयुक्त ने बताया कि जल की सप्लाई हर वार्ड तक पहुंचे, यह हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। अतिक्रमण करने वालों पर लगातार निगम के द्वारा कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने वार्ड की जनता से स्वच्छता को बनाए रखने का आग्रह किया। अभी गर्मी के मौसम को देखते हुए हम कल से ही प्याऊ पूरे शहर में चालू कर रहे हैं, जिसमें मोरवा क्षेत्र भी और नगर निगम का यहाँ बैढ़म का और विंध्यनगर का जो क्षेत्र है, यहाँ भी हम पूरे नगर निगम की सीमाओं में जहाँ जहाँ पब्लिक का ज़्यादा आवागमन है वहाँ हम प्याऊ कल से चालू कर रहे हैं। अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ हमारी कार्रवाई ही सतत रहेगी और हमारा विशेष प्रयास है कि अतिक्रमण की वजह से कोई भी सार्वजनिक व्यवधान उत्पन्न न हो। जहाँ भी आम लोगों के आवागमन में या उनके निस्तार में कहीं बाधा है तो उस अतिक्रमण को हम सख्ती के साथ हटाएंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।